विश्वविद्यालय के संवाद भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन एक संपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना है। उनका विचार भारत का विचार है और सनातन संस्कृति का विचार है, जिसको सभी लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकांत मानव दर्शन शब्द सुनने के बाद लगता है बहुत कठिन है। विचार जितना सरल रखना आवश्यक है उतना शब्द कठिन लगता है। 2014 में जब नई सरकार भारत आई तो लगने लगा विदेशियों के प्रति श्रद्धा का भाव खत्म होना चाहिए और देश के प्रति श्रद्धा का भाव आना चाहिए, और जिस तरह से पीएम मोदी ने कार्य किया है उससे निश्चित ही भारत का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। उन्होंने कहा समाज को एक करने में पंडित दीनदयाल की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम सभी उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एकात्म मानववाद मार्ग, जब उन्होंने एकात्म
तो स्वाभाविक है कि भारत में नहीं होंगे तो पूंजीवादी साम्यवादी अमेरिका में इंग्लैंड में रूस में चाइना से जो विचार चला उसको मानने वाले कुछ लोग भारत के अंदर भी होंगे। उनके विषय को लेकर ब्रह्मचारी चलाने का काम भारत में भी करते हैं। तो ऐसे लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि दीनदयाल जी के नाम से प्रधानमंत्री का निवास स्मारक नहीं हो सकता है। तब एकात मानववाद शब्द का जो अर्थ है उसके नाम से उस सड़क का नाम किया गया।